इन बातों के बाद येसु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में फिरना न चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसे कत्ल करने की कोशिश में थे। और यहूदियों की ईद खयाम नजदीक थी। बस उसके भाइयों ने उससे कहा, यहां से रवाना होकर यहूदिया को चला जा, ताकि जो काम तू करता है उन्हें तेरे शागिर्द भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मशहूर होना चाहे और छुप कर काम करे। अगर तू ये काम करता है तो अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर। क्योंकि उसके भाई उस पर ईमान नहीं लाए थे। मेरा तो अभी वक्त नहीं आया, मगर तुम्हारे लिए सब वक्त है। दुनिया तुमसे अदावत नहीं रख सकती, लेकिन मुझसे रखती है, क्योंकि मैं उस पर गवाही देता हूं कि उसके काम बड़े हैं। तुम ईद में जाओ, मैं अभी इस ईद में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ। ये बातें उनसे कहकर येसु गलील में ही रहा। लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए, उस वक्त वो भी गया, जाहिरन नहीं बल्कि गोया पोशिदा। बस यहूदी उसे ईद में ये कहकर ढूंढने लगे कि वो कहां है। लोगों में उसकी बाबत चुपके चुपके बहुत सी गुफ्तगू हुई। बाज कहते थे वो नेक है, और बाज कहते थे नहीं, बल्कि वो लोगों को गुमराह करता है। तो भी यहूदियों के डर से कोई शख्स उसकी बाबत साफ साफ न कहता था। और जब ईद के आधे दिन गुजर गए, तो येसु हैकल में जाकर तालीम देने लगा। बस यहूदियों ने ताज्जुब किया, उसको बगैर पढ़े लिखे क्यों कर इल्म आ गया। इस शख्स को इतना इल्म क्यों कर आ गया, जबकि ये मदरसे भी नहीं गया। मेरी तालीम मेरी नहीं, बल्कि मेरे भेजने वाले की है। अगर कोई उसकी मर्जी पर चलना चाहे तो वो उसकी तालीम के बाबत जान जाएगा कि खुदा की तरफ से, या मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। जो अपनी तरफ से कुछ कहता है वो अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता है वो सच्चा है और उसमें नाराजगी नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें शरीयत नहीं दी? तो भी तुम में से कोई शरीयत पर कोई अमल नहीं करता। तुम क्यों मेरे कत्ल की कोशिश में हो? तुझमें तो बदरूह है, कौन तेरे कत्ल की कोशिश में है? मैंने काम किया और तुम सब तासुब करते हो। इस सबब से मूसा ने तुम्हें खतना का हुक्म दिया है, हालांकि वो मूसा की तरफ से नहीं बल्कि बाप दादा से चला आया है। और तुम सबत के दिन आदमी का खतना करते हो। जब सबत को आदमी का खतना किया जाता ताकि मूसा की शरीयत का हुक्म ना टूटे, तो क्या मुझसे इसलिए नाराज हो कि मैंने सबत के दिन एक आदमी को बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया? जो नजर आता है उसके मुआफिक फैसला ना करो, बल्कि इंसाफ से फैसला करो। तब बात